الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم आज की जो हदीस है ये वज़ू की फजीलत और वज़ू के सवाब के बयान में है यानी इस हदीस के अंदर वज़ू की फजीलत बयान की जा रही है और इसी तरह से वज़ू का कितना बड़ा सवाब है कितना बड़ा अज्र है और इसकी कितनी फजीलत है इसको बयान किया जा रहा है आज की इस हदीस में अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला तहों से मरवी है उन्होंने फ़रमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना इन उम्मती उम्मी तू न य बेशक मेरी उम्मत आएगी कियामत के दिन उम्मती मेरी उम्मत, अल्लाह <coughs> के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत आएगी नहीं जमाती मेरी जमात तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मुराद कौन लोग हैं इससे पहले बता चुका हूँ कि आप सल्ला वसलम की उम्म के लोगों की दो किस्म हैं दो किस्म के लोग हैं एक तो उम्मत इजाबा और दूसरे उम्मत दावा तो यहां पर कौन लोग मुराद हैं उम्मत एजाबा मुराद है उम्मत एजाबा जी दावा नहीं ठीक है उम्मत एजाबा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की ठीक है ऐसे लोग मुराद हैं यहां पर तो उम्मत एजाबा मुराद है यानी ये लोग क्यामत के दिन आएंगे बात दूसरी रिवायत में है इम्मी युदाऊना याउमल कियामती मेरी उम्मत को क़ियामत के दिन बुलाया जाएगा पुकारा जाएगा उनको बुलाया जाएगा तो यहाँ पर जो हदीस में इना उम्मती या अतून अजायर सी बात है जब उनको बुलाया जाएगा तो वो लोग आएंगे ठीक है तो युदाऊना का जो लाजिम है जब बुलाया जाएगा तो लोग आएंगे उसको यहाँ पर बयान किया गया इन उम्मती या अतू न उमलक़ियामह की मेरी उम्मत के लोग क्यामत के दिन आएंगे मुहज जलीना गुर्रन और महज दोनों जो कलिमा यहाँ पर ये यह हाल वाक़ है इसी वजह से मनसूब है गुर्रन और महज जलीना गुर्र के माना होते हैं गुर्र ये अगर की जमा है ग्र ग्रन ये किसकी जमा अगर्र की जमा है, गुर्र, की जमा? की जमा है। जैसे अहमर की जमा क्या आती है हमरन असवद की जमा सूदन तो इसी तरह से अगर की जमा गुर्रन और गुर्रा ये गुर्रा से मुश्तः गुर्रा कहते हैं घोड़े के चेहरे पर यानी पेशानी पर जो सफ़ेदी होती है उस सफेदी को गुर्रा कहा जाता है घोड़ा घोड़े के पेशानी पर उसके माथे पर यानी चेहरे पर कह लीजिए जो सफ़ेदी होती सफ़ेदी होती है यानी पूरा जिस मान लीजिए उसका सुर्ख है सुर्ख किस्म का घोड़ा है और पेशानी उसकी क्या है सफेद है चेहरा उसका सफेद है तो उस सफेदी उस चमक को क्या कहा जाता है गर्रह ठीक है गर्रा या गर्रो गर्रतन व रतन के माना होते हैं चमकना चमकना सफेद होना मुहजलीना मुहजली ये भी क्या है हाल है और दूसरा हाल वाक है ये यहां पर इसी वजह से मंसूब है ये तहजील से हज जला तहजील तहजील कहते हैं घोड़े के पैरों में जो सफेदी होती है घोड़ा मान लीजिए किस्म का है लेकिन उसके पैर क्या हैं चारों पैर सफेद हैं तो उस सफेदी को क्या कहा जाता है दूरी दूर से वो घोड़ा पहचान लिया जाएगा और उसके क्या है वो कि उसके घोड़े पैर जो है चमक रहे हों दूर ही से नजर आते होंगे तो इसी वजह से उस सफ़ेदी को क्या कहा जाता है तहजील का है तहजील का है माना है दूसरा एक कौर ये भी है कि घोड़े के तीन पैरों की सफ़ेदी कहा जाता है यानी आगे के उसके दोनों पैर सफ़ेद हों इसी तरह से दोनों पैरों में से कोई पिछले जो पैर होता है उसमें से पिछले दोनों पैरों में से कोई एक पैर सफ़ेद हो तो उसको कहते हैं तहजील ठीक है तो घोड़े घोड़े के पैरों की सफेदी को तहजील कहा जाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग के दिन आएंगे इस हाल में कि उनके चेहरे चमक रहे होंगे उनके चेहरे क्या होंगे सफेद होंगे किसका माना हुआ ये गुर्रन के इस हाल में कि वह घुर्र होंगे यानी उनके चेहरे चमक रहे होंगे चेहरे सफेद होंगे मुहज्जलीना और उनके पैर भी हाथ और पैर मुहज्जल की माने जिसके हाथ और पैर ऐसा घोड़ा जिसके हाथों यानी पैरों में दोनों आगे के दोनों पैर और पिछले दोनों पैर क्या हो सफेद हो तो उसको मुहज्जल कहते हैं उस घोड़े को और मुहज्जलीना से मुराद यहां पर यानी इस हाल में आएंगे कि उनके हा, दोनों हाथ और दोनों पैर चमक रहे होंगे ये सफेदी या ये चमक ये रोशनी किस वजह से होगी मिन असरिल उ वज़ू के असर की वजह से यानी बाद तो मिन आसारज़ू वज़ू वजू के आसार की वजह से तो यहाँ पर ये मिन जो है तालीलिया इल्लत है यानी उनके हाथ और पैर और चेहरे चमक रहे होंगे रोशन होंगे क्यों वज़ू की वजह से जो दुनिया में वज़ू किया करते थे उस वजू की वजह से उनके हाथ पैर और चेहरे चमक रहे होंगे फमनस्तः अमिन कुमी फल तो तुम में से जो शख्स ताकत रखता हो मन इस्ता जिसके पास इस्तात हो तुम में से अताला अक इतालतन के माने लंबा करना तुम में से जो शख्स लंबा कर सकता हो लंबा करने की ताकत रखता हो इसतात रखता हो गुरत अपनी चमक यानी अपने चेहरे की चमक को या इसी तरह से पैरों की चमक को फल या फाल तो चाहिए कि वो करे यानी जो शख्स लंबा कर सकता हो अपने चेहरे की चमक को ज्यादा करना चाहता हो कर सकता हो ताकत रखता हो तो उसे करना चाहिए वो करे मुतफन अलह वफोली मुस्लिम ये हदीस है इस हदीस से क्या मालूम हुआ सबसे पहला मसला ये यहाँ पर इस हदीस से बाज आदम ने इसदलाल किया है सबसे पहली बात तो ये कि ये हदीस जो है वो इससे वज़ू की फजीलत साबित होती है इसी तरह से ये मालूम होता है कि वजू का अमल किस क़दर बड़े और ज़्यादा सवाब का बायस है कि वजू करने की वजह से क़यामत के दिन लोग आएंगे तो उनके चेहरे और उनके आज़ा के अज़ाय वज़ू चमक रहे होंगे और दूर ही से वो लोग पहचान लिए जाएंगे कि ये मोहम्मद की उम्मत के लोग हैं उनके मानने वाले लोग हैं और दुनिया में क्या है वज़ू किया करते थे और अल्लाह आलमीन की इबादत किया करते थे तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है इसी तरह से इस हदीस से बाज़ इल्म ने इस्तेदलाल किया है कि वज़ू वज़ू ये उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियात में से है ठीक है ये उम्मत उम्म, उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियत है वजू करना ठीक है मशा कैसे कैसे इस्तलाल है क्योंकि क्यामत के दिन लोग आएंगे और वजू की वजह से उनके आजा चमक रहे होंगे अगर सारी उम्मतों नहीं, सारी उम्मतें जो होंगी सारे अंबिया के जो उम्मत के लोग उम्मती होंगे अगर सबके आजा अगर चमक रहे होंगे वजू की वजह से तो फिर उम्मत महम्मदे की पहचान नहीं हो पाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत के लोग आएंगे और उनके आजा क्या है चमक रहे होंगे इससे मालूम हुआ और क्यों चमक रहे होंगे वजू की से चमक रहे होंगे तो इससे मालूम हुआ कि इससे पहले जो उम्मतें थी उनके लिए वजू मशरू नहीं था वजू की इबादत जो है उनके लिए मशरू नहीं थी वो वजू नहीं किया करते थे या तो इससे क्या लिहाजा क्योंकि अगर वो भी वजू करते रहे होंगे उनके लिए भी वजू मशरू रहा होगा तो वजू की वजह से उनके भी आसार चमकेंगे तो फिर उम्मत मोहम्मदिया की कोई पहचान हो ही नहीं पाएगी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहां पर बताने का कोई कोई फायदा ही नहीं हुआ कि आप करें मेरी उम्मत के लोगों के आजा चमक रहे होंगे जब सारी उम्मतों के लोगों के चमक रहे होंगे तो उम्मत मोहम्मदिया की कोई खसूसियत बाकी नहीं रही ठीक है मशाइ तो क्या 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 वजू करते थे सुनिए सुनिए बता रहा हूं पहले तो इस हदीस से ओलमा ने जो इस्तला किया इस्तदलार समझ में आ गया इस्तेल समा ने सारे ने नहीं बाज ने इस हदीस से इस्तलाल किया है कि वजू का अमल जो है यह उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियत है पहली उम्मतों में वजू नहीं था कैसे इस्तलाल किया यह इस्तेल का तरीका मैंने बताया आप लोगों को ठीक है क्योंकि आप कह रहे हैं कि वजू की वजह से आजा चमकेंगे तो अगर पिछली उम्मतों में भी वजू था तो उनके भी आजा वजू की वजह से चमकेंगे तो फिर क्या खसूसियत रही उम्मत मोहम्मदिया की कोई खसूसियत नहीं रही तो कहते हैं जब उम्मत मोहम्मदिया की खसूसियत है आजा का चमकना यह उम्मत मोहम्मदिया की खसूसियत है तो गोया कि वजू करना यह सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया में मशरू है पहली उम्मतों में मशरू नहीं था ठीक है लेकिन एक दूसरा कौल भी है और वही कौल राज है दूसरा कौल यह है कि नहीं वजू ये उम्मत मुहम्मदिया के साथ खास नहीं है वजू उम्मत मुहम्मदिया के खास साथ खास नहीं बल्कि पिछली उम्मतों में भी वज़ू मशरू था पिछली उम्मतें जो थीं वो भी क्या वजू करती थी वो लोग भी वजू किया करते थे हाँ गुर्रा और तहजील जो है अज़ा का चमकना क्यामत के दिन यह उमत मोहम्मदिया की खूसियत है ठीक है मशाइ दोनों में फ़र्क है यानी वज़ू पहले की उम्मतें जो थी पहले के जो लोग थे इस उम्मत से पहले जो लोग जो गुज़र चुके हैं वो भी वजू किया करते थे ठीक है और इस उम्मत में भी वजू है यह उम्मत भी इस उम्मत के लिए भी वजू मशरू करार दिया गया है तो दोनों में फ़र्क क्या है फ़र्क यह है कि क्यामत के दिन वजू की वजह से उनके अज़ा नहीं चमकेंगे किन के आजा सिर्फ चमकेंगे उम्मत मोहम्मदिया की तो यह खसूसियत है उम्म मोहम्मदिया की, की आशार वजू यानी वजू के असर से वजू की वजह से उनके आज़ा क्या होंगे चमक रहे होंगे लेकिन बकिया जो उम्मतें हैं वजू की वजह से उनके आज़ा नहीं चमकेंगे दलील क्या इस बात की कि पिछली उम्मतों में वजू मशरू था पिछली जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनमें भी वजू का तरीका था दलील कई रिवायतों में इस तरह से मिलता है तौर से यहां पर जो जिक्र करना चाहता हूं वो है जुरेज का वाकया मशहूर है ना जानते हैं जुरेज जुरेज का वाकया मालूम है मशहूर वाकया जुरेज का वाकया नहीं जानते हैं आप लोग किसी को नहीं मालूम है अजीब तो बात है ये जुरेज नाम सुने जुरेज नाम हाँ सफा में एक आप लोगों के एक साथी का नाम है जुरेज हाँ हाँ तब और क्या वाक्य जानते हैं सहाबी हैं जुरेज का वाकया जो उनके माँ के साथ एक वाकया पेश है उनकी माँ ने बदवा किया था हाँ उनकी माँ बुला रही थी तो वो नमाज में मशगूल रहते थे नमाज की वजह से माँ को जवाब नहीं दिया फिर दूसरे दिन माँ आई तीसरे दिन माँ आई और माँ ने बदवा कर दिया वाकई नहीं मालूम आप लोगों को ठीक है सुनिए मशाख ये वाकया आप लोग लिख करके कहीं से भी किसी भी किताब से ठीक है तलाश करके ये जुरेज का पूरा वाकया सही बुखारी की रिवायत है या अल्लाह के रसूल वसल्लम बनी इसराइल का वाकया है बनी इसराइल में एक जुरेज नामी शख्स थे ठीक है बनी इसराइल में एक जुरेज नामी शख्स थे और इख्तिसार ये कि एक मरतबा यानी बहुत बड़े आबिद और जाहिद थे बस्ती से बाहर निकल करके उन्होंने कुटिया बना रखी थी उसी कुटिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के राहिब थे जिस तरह से ईसाइयों के यहाँ रुहानियत पाई जाती है अलग से अलग एक जगह कुटिया बना करके उसमें क्या अल्लाह रब्लम की अलग थलग इबादत किया करते थे तो एक राहिब थे अल्ला रब आबिद वाहिद किस्म के आदमी थे एक कुटिया बना करके उसमें अल्लाह रबालमिन की इबादत किया करते थे एक मरतबा इनकी वालदा इनसे मिलने के लिए आई मुलाकात करने के लिए आई और ये नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त तो नमाज ही में सोचा कि अल्लाह ताला मैं क्या करूं माँ को जवाब दूं मैं नमाज पढ़ रहा हूं नमाज छोड़ू तो इन्होंने नमाज को तरजीह दी और माँ को जवाब नहीं दिया मां बुलाती रही बुला करके चली गई फिर दूसरे दिन माँ आई बुलाने फिर इतफाक से नमाज पढ़ रहे थे तीसरे दिन माँ आई फिर इतफाक़ से नमाज पढ़ रहे थे माँ ने नाराज होकर के कह दिया कि अल्लाह आलमीन इसको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये जानियों का कवाइफों का मुंह ना देख ले कवाइफ का इसी तरह से जानियों का मुंह ना देख ले उस, उससे पहले इसको मौत ना आए पूरा वाकया है वाकया मैं यहां पर नहीं बयान करूंगा वाकया आप लोग खुद इसको नोट करके वर्के में लिख करके हर शख्स होमवर्क है इस पर भी नंबर मिलेगा मशायख ये वाकया एक वर्के में लिख करके पूरा जुरेज का वाकया लिख करके आप मेरे पर्सनल पर भेजेंगे हर कोई भेजेगा ठीक है कल नहीं कल के बाद यानी आप लोगों को के पास एक हफ्ता का वक्त है एक हफ्ते के अंदर हर कोई भेजेगा तो उसी वाक़े में यह है कि जब उन पर जना की का इल्ज़ाम लगाया गया और उनको बादशाह के पास लाया गया जो अमीर था हाकिम के पास लाया गया तो उन्होंने उस बच्चे को बुलवाया जिससे जो जिसको तहमत लगाई गई थी कि जुरेज का बेटा है जुरेज का लड़का है और बुलवाया और फिर उस वक्त उसमें आता है कि उन्होंने कहा कि मैं दो रकात नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ उससे पहले उसमें आता है कि उन्होंने वजू किया यानी वजू किया और दो रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा बाप कौन है ठीक है तो उसने कहा था कि मेरा बाप फला चरवाहा है तो उस वा, उस, वा, उस वाक्य में जो अल्लाह इस वाके को घर चाहिए इसराइली वाक्य है यानी बन उसराइल में से एक शख्स का वाक्य इस वाके को अल्लाह के रसूल सल्लासम ने बयान किया है अपनी उम्मत से हमसे किसने बयान किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि बनू इसराइल में एक शख्स गुजरे हैं जिनका नाम जुरेज था ऐसा ऐसा वाक़ पूरा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया लिहाजा ये वाक़ सही है सही बुखारी की रिवायत है सही बुखारी में रिवायत मौजूद है ये वाक़ और हदीस की दूसरी किताबों में तो उसमें मिलता है कि आप सल्लाम ने फरमाया कि उन्होंने वजू किया और वजू के बाद दो रकात नमाज पढ़ी तो इससे क्या पता चला कि पिछली उम्मतों में भी वज़ू था इसी तरह से इब्राहिम के वाक़े में भी आता है कि जो जब सारा को लेकर के वो निकले थे और रास्ते में एक जालिम बादशाह ने उनको रोक लिया था तो उस वक्त सारा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने वज़ू किया और उन्होंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया और अल्लाह रबालम से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताली उनको इस काफिर और इस बात ालिम बाशाह से क्या निजात दे तो उस वाक़े में मिलता है कि उन्होंने भी वजू किया और नमाज़ पढ़ी तो इससे मालूम होता है और बहुत सारे इसके अलावा वाक़ात से रवायतों से मालूम होता है कि पिछली उम्मतों में भी वजू था वो लोग भी वजू किया करते थे तो लिहाजा वजू सिर्फ वजू ये, ये उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियत नहीं बल्कि पिछली उम्मतों में भी वजू पाया जाता था हाँ वजू की वजह से आज़ा का चमकना ये क्यामत के दिन उम्मत महमदिया की खसूसियत है बाकी और उमतों के आज़ा वजू की वजह से नहीं चमकेंगे सिर्फ़ नबी करीम की उम्मत के जो लोग होंगे वजू करते होंगे क़्यामत के दिन उनके आजा चमकेंगे एक मसला और रह गया इस हदीस से मुख्य लेकिन वक्त ज्यादा हो रहा है इस मसले को इनशाला और कुछ मसाइल हैं वजू से मुतल इसको कल बताएंगे इनशा ठीक है